सब्सक्राइब कीजिए घरेलू हेल्थ यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा हिंदी हेल्थ यूट्यूब चैनल घरेलू हेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा खड़े होकर पानी पीने के नुकसान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खड़े होकर पानी पीने के नुकसान के बारे में। दोस्तों, क्या आप भी खड़े होकर पानी पीते हो? अगर आपको भी है खड़े होकर पानी पीने की आदत, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आपको कई तरह के बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं खड़े होकर पानी पीने के नुकसान के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। पानी पीना सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है। भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करने से आप कई तरह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें पानी कैसे पीना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को खड़े होकर पानी पीने की आदत होती है। अगर आप भी ऐसे ही करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अगर आप खड़े होकर पानी पीते हो तो आप कई तरह की बीमारियों को दावत देते हो। दोस्तों, आइए जानते हैं खड़े होकर पानी पीने की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। खड़े होकर पानी पीने से हो सकती है पेट की बीमारी। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तब यह आसानी से प्रवाह हो जाता है और एक बड़ी मात्रा में नीचे खाद्य नलिका या फूड कैनल में जाकर निचले पेट की दीवार पर छिड़काव करता है। इससे पेट की दीवार और आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचता है। लंबे समय तक ऐसा होने से पाचन तंत्र और दिल और गुर्दे की समस्या हो जाती है। खड़े होकर पानी पीने से हो सकता है किडनी की बीमारी। किडनी का काम पानी को छानना होता है। जब खड़े होकर पानी का सेवन किया जाता है तब पानी तेजी से गुर्दे के माध्यम से बिना अधिक क्षणे गुजर जाता है। इसके कारण मूत्राशय या रक्त में गंदगी इकट्ठा हो जाता है, जिससे मूत्राशय, किडनी और दिल की बीमारियां होती है। खड़े होकर पानी पीने से हो सकता है अर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या। खड़े होकर पानी पीने से सबसे प्रमुख समस्या जो सामने आती है वो है अर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या। अगर आपको भी खड़े होकर पानी पीने की आदत है तो भविष्य में आपकी ये आदत आपको अर्थराइटिस यानी गठिया की शिकार बना सकती है। खड़े होकर पानी पीते रहने से जोड़ों में मौजूद तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है और जोड़ों में आवश्यक तरल पदार्थ की कमी होता है। इससे जोड़ों में दर्द और गठिया जैसी परेशानियाँ उत्पन्न होती है। खड़े होकर पानी पीने से शरीर में एसिड का स्तर कम नहीं होता। यहाँ तक कि आयुर्वेद में यह बताया गया है कि बैठकर भी आपको धीरे धीरे और छोटे छोटे घूंट में पानी पीना चाहिए। यह पानी के आवश्यक अनुपात के साथ मिलकर शरीर में एसिड के स्तर को ठीक से करने में मदद करता है। लेकिन खड़े होकर पानी पीने से शरीर में एसिड का स्तर कम नहीं होता है। खड़े होकर पानी पीने की वजह से बार बार पानी पीने के बावजूद भी आप प्यासे रहेंगे। जब आप खड़े होकर पानी पीते हो तो आपकी प्यास पूरी तरह से बुझ नहीं पाती है और आपको बार बार पानी पीने की इच्छा करती है। इसलिए अपनी प्यास को बुझाने के लिए बैठकर छोटे छोटे घूंट में पानी पिए। खड़े होकर पानी पीने की वजह से हमेशा उपज का शिकार बने रहना। जब आप बैठकर पानी पीते हो तो आपकी मसल्स और नर्वस सिस्टम अधिक रिलैक्स होता है और इस तरह नर्वस तेजी से तरल को पचाने में मदद करता है, जबकि खड़े होकर पानी पीने से आप हमेशा उपज का शिकार बने रहते हैं। इस तरह से खड़े होकर पानी पीने की आदत बीमारियों को बुलावा देती है। तो समझ गए ना आप कि आपको सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा इस वीडियो पसंद आए है। अगर आपको हमारा इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा इस YouTube चैनल घरेलू हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले और भी हेल्थ वीडियोस आपको जल्द ही मिल सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर।